आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्लास 7 का। ठीक है, तो इसको हम करेंगे तीन पार्ट्स में डिवाइड। फर्स्ट पार्ट में हम करेंगे डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस जो आपसे मुझे लगता है नहीं सॉल्व हो पाएंगे। सेकंड में हम करेंगे जो क्वेश्चन मैंने डिफरेंटली सॉल्व करे हैं जो आपको जरूर देखने चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व कर पाओ, और थर्ड वाले में जो क्वेश्चन मुझे लगता है आप इजिली सॉल्व कर पाओगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे क्वेश्चंस है टोटल अराउंड 8 क्वेश्चंस, जिसमें तीन अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन है, बाकी मुझे लगता है जो आपसे नहीं होंगे। तो सबसे पहले उनको करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ रोप ए टू द लेंथ ऑफ रोप बी। ठीक है, ए और बी की रेशियो दी हुई है हमें, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो लेंथ ए की कितनी आ जाएगी 3x और बी की कितनी आ जाएगी 4x, हमने दोनों को अलग अलग करके लिख लिया। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे एक और रेशियो दी है उसने, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ रोप सी टू द लेंथ ऑफ रोप बी इज 7:6। अब इसके साथ तो हम दोबारा से एक्स लगा नहीं पाएंगे, तो हम क्या करते हैं इसको, हमें दी हुई है लेंथ ऑफ रोप सी टू द लेंथ ऑफ रोप बी, इनकी रेशियो दी है तो इनकी रेशियो को लिख देते हैं 7/6, यही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्या लिखा है, इफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोप इज 84 सेंटीमीटर। ठीक है, लॉन्गेस्ट रोप की जो लेंथ दी है वो 84 सेंटीमीटर है। अभी हम पता करेंगे कौन सी वाली लॉन्गेस्ट वाली है। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ थ्री रोप्स। ठीक है, तीनों रोप्स की टोटल लेंथ कितनी है वो हमें फाइंड करना है। तो देखो यहां पे लेंथ ऑफ रोप बी कितनी है 4x और ए कितनी है 3x, यहां पे वैल्यू पुट करवा सकते हैं हम बी की, तो बी की वैल्यू पुट करवा दो, आपके पास लेंथ ऑफ रोप सी आ जाएगा विच विल बी इक्वल टू 7/4x/6 एंड ये हमारे पास आ जाएगा 14/3x। अब आप चेक करो सबसे बड़ी वाली रोप आपको कौन सी वाली लग रही है। देखो ये है 3, ये है 4, इसको अगर आप डिवाइड करो तो आपके पास डेसिमल में आंसर आएगा। अगर वो डेसिमल में 4 से बड़ा आता है तो लॉन्गेस्ट रोप ये है, इसको इसके इक्वल लिख देना। तो इसको डिवाइड करो ये आ जाता है 4, 3 4s are 12 एंड देन डेसिमल के बाद भी कुछ नंबर आएंगे, यहां पे डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं है, तो लॉन्गेस्ट रोप कौन सी हुई, मतलब लॉन्गेस्ट रोप हमारी आ गई रोप सी। तो रोप सी किसके इक्वल है हमारी 84 के, तो यहां से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 84 × 3/14, तो ये आ जाएगा 212 अगेन, ये आ जाएगा 6 और ये आ गया 18 हमारी आई है एक्स की वैल्यू। तो लेंथ ऑफ रोप ए कितनी आ जाएगी 54, लेंथ ऑफ रोप बी कितनी आ जाएगी 72, लेंथ ऑफ रोप सी कितनी आ जाएगी 6, 84, तीनों को ऐड करो आपका आंसर आ जाएगा जो आएगा 10, 16, 21, 210 आपका टोटल लेंथ ऑफ रोप आ गई जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। That's it. ठीक है, तो मैंने आपको पहले बोला था ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसीलिए मैंने इसको इस कैटेगरी में रखा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था अगर देखा जाए, समझा जाए अच्छे से। ठीक है, तो लेंथ ऑफ रोप ए लिखी, बी लिखी, उसके बाद भी अगर हम जो और उसने रेशियो दी थी सेकंड वाली उसको हम एक्स के साथ तो लिख नहीं सकते, लेकिन अगर हम एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा देते तो वहां पे आके हमें दिक्कत होती, इसीलिए मैंने इनको लेंथ ऑफ रोप सी इज टू लेंथ ऑफ रोप बी इज इक्वल टू 7/6। तो उसके बाद मैंने वहां से लेंथ ऑफ रोप सी भी निकाली क्योंकि बी और ए के पास, बी और ए की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी थी। फिर मैंने लॉन्गेस्ट रोप सी निकाली, और जब लॉन्गेस्ट रोप सी निकाली तो लॉन्गेस्ट रोप की वैल्यू ऑलरेडी दी थी, वो वैल्यू पुट करवाई एंड हमारी एक्स की वैल्यू आ गई, दैट्स इट। उससे हमारा टोटल का आंसर आ गया एंड ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 9th क्वेश्चन, उसको करते हैं। 9th क्वेश्चन देखो, 11 ऑरेंजेस आर बॉट फॉर ₹10 एंड 10 ऑरेंजेस आर सोल्ड फॉर ₹11, द गेन और लॉस परसेंट इज। सबसे पहले तो पता चलनी चाहिए भाई गेन हुआ है या लॉस हुआ है। तो उसने बोला 11 ऑरेंजेस बॉट फॉर, मतलब
सीपी ऑफ 11 ऑरेंजेस इज इक्वल टू रुपीज 10। ठीक है, यही दिया हुआ था ना हमें। तो सीपी ऑफ 1 ऑरेंज कितना आएगा, 10 डिवाइडेड बाई 11, यही तो यूनिटरी मेथड कहता है। उसके बाद एसपी ऑफ नॉट 11 दिस टाइम इट्स 10 ऑरेंजेस विच इज इक्वल टू 11, तो एसपी ऑफ 1 ऑरेंज कितना आ जाएगा, 11/10। तो यहां से तो साफ ही दिख रहा है कि भाई गेन हुआ है। ठीक है, अब गेन हुआ है, गेन कितना हुआ है वो फाइंड करते हैं। एसपी ओवर सीपी इज इक्वल टू, एसपी ओवर सीपी किसकी इक्वल होता है, 100 प्लस पी परसेंट ओवर 100। ठीक है, अब ये 10 चला जाएगा नीचे और ये 11 चला जाएगा ऊपर, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 11 इंटू 11 होता है 121 और 10 इंटू 10 होता है 100, इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ओवर 100। ये 100 से 100 कट जाएगा, 120 माइनस 100 कितना होता है 21, तो पी परसेंट किसके इक्वल आ गया 21% के। और ऑप्शन चेक कर लेते हैं कितना है यहां पे, 21% गेन इज इन ऑप्शन सी, दैट्स इट। तो यही आपका क्वेश्चन था, बहुत आसान बन गया होगा अब, आई होप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15th क्वेश्चन देखो, अ मैन सेल्स 2 हॉर्सेस फॉर 4000 ईच, नाइदर लूजिंग नॉर गेनिंग इन द डील। अब ये जो फर्स्ट लाइन है ना, इसको थोड़ी देर के लिए भूलो, मतलब ये वाला कॉमा से पहले पहले वाली लाइन, ये वाली अभी भूल जाओ लाइन, आगे पढ़ो। इफ ही सोल्ड वन हॉर्स एट अ गेन ऑफ 25% देन द अदर हॉर्स इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ, तो जो उसने 25% के गेन पे बेचा है ना, उसका सीपी पहले फाइन करते हैं। तो देखो 4000 का एक बेचा था, तो सेलिंग प्राइस आ गया 4000, सीपी हमें फाइन करना है, गेन उसने दिया हुआ है हमें 125, मतलब 25 दिया था, 25 हमें प्लस करना है 100 में, यस, तो यहां पे आ जाएगा 125/100। ये फॉर्मूले आप जाके चेक कर सकते हो, मैंने ये शॉर्टकट वाला फॉर्मूला आपको लिखवाया हुआ है। तो ये सीपी ऊपर चला जाएगा, इसको पूरा का पूरा इधर ले आओ, तो आपका सीपी किसकी इक्वल आ जाएगा, 4000/100/125 एंड इट विल बी इक्वल टू 3200। ठीक है, अब सीपी आ गया 3200। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को दोबारा से, देखो अ मैन सेल्स 2 हॉर्सेस फॉर 4000 ईच, नाइदर लूजिंग नोर गेनिंग इन द डील। अब ये जो लाइन है ना, इसी के मतलब के लिए आपको दिक्कत आएगी, और क्वेश्चन में कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। उसको ना तो लॉस हुआ ना ही उसको प्रॉफिट हुआ, उसने बेचे कितने के टोटल, 8000 के, तो टोटल ये क्या आ गया हमारा एसपी। उसका टोटल सीपी कितना होगा फिर, जितने के बेचे हैं उसने उतने के खरीदे होंगे, तभी तो उसको 0%, मतलब 0 रुपीज मिले उसको, मतलब बेचने के बाद। ठीक है, ना तो उसको गेन हुआ ना ही उसको लॉस हुआ, जितने के उसने खरीदे थे उतने के ही उसने बेच दिए, तो टोटल सीपी कितना आ गया, 8000 ही। हम टोटल की बात कर रहे हैं यहां पे, अकेले अकेले नहीं, अब अकेले अकेले की बात करते हैं। एक जो उसने 25% प्रॉफिट पे बेचा था ना, उसका सीपी आया 3200। तो एक का अगर 3200 है तो दूसरे का कितना आएगा, टोटल में से माइनस कर दो यार, इजी है, ठीक है, 4800। अब ये आ गया हमारा सेकंड का सीपी, तो सेकंड का सीपी ये है और एसपी तो सेम ही था, तो फॉर्मूला लगाओ, एसपी ओवर सीपी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट ओवर 100। ये दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगी, इसको आगे 4 के टेबल पे काटना है तो आप काट सकते हो, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा आपका 1 और 2 12। 10/12 किसके इक्वल आ गया, 100 माइनस लॉस परसेंट ओवर 100। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का भी मैं आपको शॉर्टकट थोड़ा सा बता सकता हूं।
अगर आप चाहते हो, बाकी आप खुद आंसर निकाल सकते हो, कोई ज्यादा मुश्किल आपको नहीं आएगी। इसका शॉर्टकट क्या है, देखो 10/12 × 100 होगा, उसके बाद ये वाला जो 100 है इधर आके माइनस होगा। मैं क्या करूंगा, ये दोनों में 100 आ रहा है, इस 100 को कॉमन निकाल लेता हूं और अंदर बच जाएगा 10/12 − 1 जो आ जाएगा 2/12 माइनस में और इंटू हो जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 6 मींस −100/6 इज इक्वल टू −loss%। ये माइनस है माइनस कट जाएगी, 100 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 1/6 4/6 मींस 16 2/3% आपका आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अब जो ये वाली ट्रिक है ना, आपने फटाफट से करनी है, फटाफट से इन द सेंस आपको पता है हमेशा 100 आपका क्या आएगा, कॉमन आएगा, तो 100 डायरेक्ट कॉमन निकाल के इसको 1 में से माइनस सीधा करवा दो और आपका आंसर जल्दी से निकलेगा, अगर आपको डिवाइड मल्टीप्लाई में थोड़ी सी दिक्कत आती है तो। अदरवाइज आप 100 को इधर लेके आओ, मल्टीप्लाई डिवाइड करवाओ, देन ये 100 इधर आके माइनस करवा दो, माइनस से माइनस उसके बाद कटवा दो, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आंसर इसका आएगा ऑप्शन बी, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21st क्वेश्चन। अब 21st क्वेश्चन देखिए, इन एन एग्जामिनेशन वन शुड गेट 36% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, मीन्स टोटल मार्क्स जो हैं, उसके 36% चाहिए टू पास, पास होने के लिए। अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड 113 मार्क्स, उसको कितने मार्क्स मिले हैं, 113, एंड इज डिक्लेयर्ड फेल बाय 85 मार्क्स, द मैक्सिमम मार्क्स आर। ठीक है, तो बहुत आसान है लेकिन इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, बस और कुछ नहीं है इसमें, क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो टोटल मार्क्स मान लो आप, जो मैक्सिमम मार्क्स जिसको हम बोलते हैं एक्स है, इसका 36% अगर हम निकालें तो हमारे पास क्या आते हैं, पासिंग मार्क्स, ये है टोटल पासिंग मार्क्स। एक स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, उसके मार्क्स आए हमारे पास कितने थे, 113, और वो क्या हो गया, फेल हो गया, कितने कितने से फेल हुआ, 85 मार्क्स से। अब इसका मतलब क्या है कि उसके जो मार्क्स हैं वो पासी मार्क्स से भी कम है, कितने कम है, 85, तो इसको कर दो माइनस 36/100 जो हमारे पासिंग मार्क्स थे उसमें से कर दो 113 माइनस, तो उसके 85 इक्वल आ जाएगा, ये आपकी इक्वेशन बन गई, दैट्स इट, यही तो आपको करना था। अब इसको इधर जाके ऐड करवा दो एंड ये आ जाएगा 891 198, और इधर बच जाएगा हमारा 36/100 एक्स, तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 198 × 100/36। तो ये आ जाएगा हमारा 550, ये क्या आया है, एक्स, एक्स क्या था, टोटल मार्क्स, और उसने क्या फाइंड करने के लिए बोला था, टोटल मार्क्स ही, तो टोटल मार्क्स आए हैं हमारे 550 जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। बस इसमें ये छोटी सी बात समझने की थी कि जो उसके 113 आए हैं और 85, ये दोनों क्या चीजें हैं, तो ये दोनों चीजें थी कि उसके ऑब्टेन्ड मार्क्स इतने हैं, पासिंग मार्क्स इतने चाहिए थे, वो फेल इतने से हुआ है, तो पासिंग मार्क्स उसके टोटल पासिंग मार्क्स में से अगर मैं माइनस करवा दूं तो ये 85 के इक्वल आएंगे, दैट्स इट। बस ये चीज समझने की जरूरत थी, उसके बाद इक्वेशन एक बार बन गई तो सॉल्व तो आप कर ही लोगे। चलिए इस डिफिकल्टी वाले के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, उसके बाद इसके बाद 3 अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन है, वो तो होते ही है थोड़े बहुत डिफिकल्ट, ठीक है। तो चलिए वो क्वेश्चन है हमारा 22nd क्वेश्चन। हमारा 22nd क्वेश्चन है, अ फार्मर बोरोड 5500 एट 8% पर एनम। तो बोरोड भी मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है उसने, 5500 रुपीज, और उसका रेट कितना दिया हुआ है, 8%, राइट।
अब आगे पढ़ते हैं, आफ्टर 5 ईयर्स, तो टाइम भी गिवन हो गया भाई 5 ईयर्स, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स ही क्लियर्ड द अकाउंट, मतलब जो उसने ये लिया था पैसा उसने 5 साल बाद वापस कर दिया। अब कुछ इंटरेस्ट के साथ ही वापस करेगा ना, इतने ये पैसे थोड़ी वापस कर देगा, तो वो इंटरेस्ट भी सब कुछ करते हैं। ही क्लियर द अकाउंट बाय गिविंग 6,000 रुपीज, 6,000 रुपीज उसने कैश दिया और साथ में क्या दे दी, एक काउ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द काउ, बहुत आसान है। देखो उसने वापिस करे पैसे टोटल 6,000 प्लस काउ की वैल्यू मान लेते हैं एक्स। अब ये 6,000 प्लस एक्स क्या है, अमाउंट। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट। तो ये अमाउंट उसने वापस करी है। अब हमें अमाउंट का फॉर्मूला पता है, अमाउंट इक्वल होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारे पास है, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी ओवर 100, आर इंटू टी ओवर 100। तो ये जीरो से जीरो कट जाएंगी, ये 5,000 होता है 40, जीरो इसका आ गया, 4 को इससे मल्टीप्लाई करो तो आपका आ जाएगा 2200। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका 2200, प्रिंसिपल आपका गिवन था 5500, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 7700। तो अमाउंट आई 7700 इक्वल टू किसकी है, 60,000 प्लस एक्स। ये 6,000 इसमें से माइनस करोगे तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा 1700। और एक्स हमने किसको माना था, एक्स हमने माना था काउ की प्राइस को। एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ काउ इज 1700 विच इज इन ऑप्शन सी, दैट्स इट। तो ये इजी क्वेश्चन बन गया। बस इसमें ये चीज थी कि आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये 6,000 प्लस एक्स दिया क्या हुआ है, मींस प्लस प्राइस ऑफ काउ दिया क्या हुआ है। तो वो दिया हुआ था हमें अमाउंट, और कुछ इसमें डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। तो अब हम चलते हैं अचीवर सेक्शन के 3 क्वेश्चंस करने के लिए। तो नेक्स्ट है हमारा 23rd क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट आता है उसमें अरुण सेल्स कार टू हिज फ्रेंड अमित एट 10% लॉस, ठीक है। अरुण ने अमित को बेची 10% लॉस पे। फिर उसके बाद क्या हुआ, अमित सेल्स द कार, अमित ने आगे बेच दी कार कितने की, 54,000 की, एंड गेन्स 20%। देन द ओरिजिनल सीपी ऑफ द कार वॉज, अब ओरिजिनल सीपी क्या होगा, अरुण वाला, ठीक है, जितने की अरुण ने इसको, मतलब जो अरुण ने खरीदी होगी एक्चुअली में, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, आप देखो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। जो अरुण था, सॉरी अमित, जो अमित है उसने बेची कितने की है, 54,000 की, और उसने उस पर प्रॉफिट कितना कमाया था, 20%, राइट। इसके बाद यहां से हम सीपी निकाल सकते हैं इजीली। तो चलिए पहले सीपी निकालते हैं, एसपी ओवर सीपी, सीधा फॉर्मूला ही, मतलब वैल्यूज लिखते हैं सीधा, एसपी ओवर सीपी इज इक्वल टू 100 प्लस 20 हो गया हमारा 120 ओवर 100, तो सीपी विल बी इक्वल टू 54,000 इंटू 100 ओवर 120, जीरो से जीरो गई, तो सीपी विल बी इक्वल टू 45,000। अब यार ये जो सीपी है, ये किसका सीपी है, ये कॉस्ट पड़ी हमारे अमित को, लेकिन हमें किसका सीपी फाइन करना है, हमें फाइन करना है अरुण वाला। अब अरुण ने किसको बेची थी, अमित को। जब अरुण ने अमित को बेची थी तो जो अमित का कॉस्ट प्राइस है वो उसके लिए क्या होगा, अरुण के लिए, अरुण के लिए ये होगा सेलिंग प्राइस। तो यहां पे ए लिख देते हैं, एसपी ए। तो ये सेलिंग प्राइस किसका है, अरुण के लिए, और अमित के लिए ये क्या बन गया था, कॉस्ट प्राइस। तो ये चीज यहां पे समझने वाली थी, दैट्स इट। अब फिर से फॉर्मूला लगा दो और हमें कॉस्ट प्राइस अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। अब लेकिन यहां पे बात आती है कि हमें यहां पे लॉस परसेंट दिया हुआ है 10%, तो 100 में से 10 माइनस करोगे तो कितना आ जाता है, 90 ओवर 100, ठीक है। ये जीरो से जीरो कट जाएगी,
बाकी का उधर ले जाओ, अगेन सीपी फाइन कर दो। तो इसमें मेन चीज यही थी कि जो अमित का सीपी है वो अरुण का क्या है, सेलिंग प्राइस है, दैट्स इट। तो ये हमारा आ जाएगा 50,000, क्योंकि ये आएगा 5,000, तो सीपी विल बी इक्वल टू 50,000। चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन इन द सेंस किस कॉलम में है। तो आर में दिया हो तो फर्स्ट तो मिलेगा आर से, तो फर्स्ट आर से मिल गया, दैट मींस ए और डी में से कोई राइट आंसर है। तो आगे देखिए इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट बहुत ज्यादा आसान है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगना है आपको, सब कुछ बाकी गिवन है यहां पे, ठीक है। 3 ईयर्स टाइम गिवन है दोनों के लिए, सम प्रिंसिपल भी दोनों में दिया है, इंटरेस्ट भी दिया। आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट इस अमाउंट का 3 इयर्स के लिए, इस अमाउंट का 3 इयर्स के लिए फाइन करना है एंड दोनों को सम कर देना है, आपका 126 ही आएगा। ये तो ऑब्वियसली यहां पे दिख रहा है क्योंकि इतना ज्यादा इसके ऊपर 11,200 आ ही नहीं सकता कभी भी, ठीक है। तो ये तो आप फाइन कर लोगे इजिली, इसको मैं नहीं करवा रहा, मैं थर्ड करवा रहा हूं क्योंकि थर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है। इसलिए अ सर्टेन अमाउंट वॉज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो 4:3। 4:3 में ए और बी में एक अमाउंट थी वो डिवाइड हुई। अगर कहता बी का शेयर वॉज 4800 देन द टोटल अमाउंट इज, बी का शेयर उसने बता दिया, अब हमें टोटल अमाउंट फाइन करनी है। हम क्या करते हैं, टोटल अमाउंट ले लेते हैं एक्स के इक्वल, ठीक है। टोटल अमाउंट एक्स आ गई, देखो क्या रेशियो थी यहां पे, 4:3। तो हमने जब इंट्रोडक्शन करी थी उसमें पार्ट्स की बात करी थी, दैट मींस ए के कितने पार्ट्स हैं 4 और बी के कितने पार्ट्स हैं 3। तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 4+3 इज इक्वल टू 7, राइट। यहां तक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखो 7 टोटल है, ए का कितना पार्ट है, सॉरी हमें बी का फाइव गिवन है तो हम बी की बात करेंगे। बी का कितना पार्ट था 3, इसको लिखो ऊपर, इसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल के साथ, आपका बी का पार्ट आ जाएगा। तो शेयर्स वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह से उनको हैंडल करना है, और मैंने शायद इंट्रोडक्शन में ये चीज सिखाई भी थी। तो ये टोटल आ गया और इसका आंसर जो आना था वो हमें गिवन है, जो कि है 4800, क्योंकि बी का जो पार्ट था या शेयर था वो 4800 था। अब आप इसको इधर लेके जाओ जिससे आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी, और यही आपको निकालना था। $11,200 टोटल था और ये क्यू में दिया हुआ है। तो यहां से हम देख लेते हैं थर्ड का क्यू दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ इसमें, ठीक है, और किसी में दिया ही नहीं होता। ए ऑप्शन हमारा क्या आ जाता है, इसके लिए राइट आ जाता है। मेरा मेन था कि ये मतलब सिखा दूं, अगर आपको नहीं आता होगा तो सेकंड वाला तो आप पार्ट इजीली फाइन कर लेते। अब हम चलते हैं 24th क्वेश्चन पे। तो देखो हमारा 24th क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। स्टेटमेंट वन दिया हुआ है, इफ निहारिका ट्रेवल्ड 117 किलोमीटर बाय कार, 78 किलोमीटर बाय बस, देन शी ट्रेवल्ड 40% ऑफ द टोटल जर्नी बाय बस, ठीक है। उसने बोला है कि टोटल जर्नी जो है वो 40% ट्रेवल करी है, ये हमने फाइन करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अब देखो इसको दो तरीकों से करा जा सकता है, टोटल डिस्टेंस तो आप दोनों में ही चाहिए, ठीक है। तो हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लिया, उसके बाद या तो आप परसेंटेज निकाल लो बाय बस कितनी है, जिससे अगर आपका 40% आता है तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, या फिर आप दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, 40% ऑफ टोटल फाइंड कर लो, अगर ये 78 के इक्वल आ जाता है तो इतना ही तो उसने डिस्टेंस बाय बस ट्रेवल करा है और वही हम फाइंड कर रहे हैं, तो ठीक है। अगर ये 78 आ जाता है तब भी आपका आंसर करेक्ट है, और अगर ये 40% आ जाता है तब भी आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो दोनों आंसर में आपका यही सेम आएगा, एक में 40, इसका इसको सॉल्व करोगे तो 40% आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 78 आएगा। कर आप किसी भी तरीके से सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो स्टेटमेंट वन यहां पर हमारी क्या है, ट्रू है। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट टू की तरफ। तो अभी देखो स्टेटमेंट टू, ये चीज मैंने आपको नहीं समझाई है, प्रोपोर्शन यहां पे वर्ड आ रहा है। तो पहले हम समझते हैं प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है।
यहां पे हम आए हैं स्टेटमेंट टू में, ठीक है। तो सबसे पहले तो समझते हैं प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। प्रोपोर्शन होता है हमारा, अगर दो रेशियोज गिवन है, मान लो 3:4 एंड और कोई भी ले लो, चाहे वो अभी अभी फिलहाल के लिए उसका मतलब बनता हो चाहे ना बनता हो, तो 4:5 है दूसरा। अगर ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन गिवन है तो इनके बीच में मान लो डबल रेशियो लिखी जाएगी, ये होता है प्रोपोर्शन का साइन। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि रेशियोज आर इक्वल, ठीक है। रेशियोज क्या है, इक्वल है, दैट्स इट, छोटा सा मीनिंग है। ओके, अब पढ़ते हैं इसको। इफ 30, 40, x, 80 आर इन प्रोपोर्शन देन x इज 60। देखो 30 एंड 40, और 30 और 40 को हम रेशियो में लिख देते हैं। उसके बाद इक्वल किसके दिया है, x ओवर 80 के, हो गए प्रोपोर्शन में क्योंकि इक्वल लिख दिया हमने। अब ले जाओ 80 को इधर, आपका आंसर आ जाएगा, ये चला जाएगा 2 पे, तो x आपका आ जाएगा 60। और आई थिंक सो उसने भी यही दिया हुआ था, तो उसने बोला था x क्या आएगा 60, इसीलिए इसमें बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, तो इसीलिए इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारा ए। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अचीवर सेक्शन के, इसके बाद हमारा पार्ट 2 आएगा जिसमें क्वेश्चन जो हैं डिफरेंटली सॉल्व करे जाएंगे। चलिए 25th पे चलते हैं। अब 25th क्वेश्चन है और इसके हैं 3 पार्ट्स, हम सिर्फ 3rd पार्ट करेंगे, बाकी 2 के आंसर्स आप मेरे को कमेंट सेक्शन में दे सकते हो या खुद से निकाल लेना, बहुत आसान है, बता देता हूं कैसे करने हैं। इफ निकिता ट्रेवल्स 252 किलोमीटर्स इन 12 आवर्स, देन शी ट्रेवल्स डैश किलोमीटर इन 21 आवर्स, तो 21 आवर्स में वो कितना ट्रेवल करेगी, इजी है, 1 आवर का निकालो, यहां से 1 आवर का निकल गया तो उसको 21 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल यूनिटरी मेथड पे बेस्ड है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर्स एंड 5 चेयर्स एंड 6 टेबल्स इज 750, 3600 रिस्पेक्टिवली, तो एक चेयर का कितना आ जाएगा 150, 6 टेबल्स का कितना 6, एक टेबल का कितना आ जाएगा 600, 150, 600, 3 such chairs 3 into 150, 2 into 600, दोनों की जो भी वैल्यू आएगी उनको ऐड करो, आपका आंसर आ जाएगा, यहां से चेक कर लेना। अब हम लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं सीधा, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, यहां पे आ जाएगा बॉयज ओवर टोटल स्टूडेंट, ठीक है, ये हमें फाइंड करनी है। आगे क्या लिखता है, आगे लिखता है इफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर दैट मच रिस्पेक्टिवली, ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज दिए हुए हैं 36, टोटल हमें स्टूडेंट्स कौन देगा, गर्ल्स और बॉयज को प्लस करके, तो ये हमारा आ जाएगा 54, इसको 6 के टेबल पे डिवाइड करते हैं और उसके बाद कर देते हैं 3 के टेबल पे, तो ये आ जाता है हमारा 2:3, तो 2:3 हमारा ऑप्शन सी और ए में दिया हुआ है, बाकी के आंसर्स आप फाइंड करोगे तो आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान थे यहां तक अचीवर सेक्शन वाले क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन जो हम डिफरेंटली सॉल्व करेंगे, स्पीड से सॉल्व करेंगे, तो चलिए पार्ट 2 में चलते हैं। आगे अब हम अपने सेकंड पार्ट में, जिसमें हम क्वेश्चन डिफरेंटली प्लस, डिफरेंटली मींस वही हो गया कि अगर फास्ट सॉल्व करेंगे तो वो डिफरेंटली ही होगा, कैसे करेंगे, उसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 3rd। तो क्वेश्चन 3rd को देखो, 150% ऑफ अ नंबर इज 900, व्हाट इज द नंबर। देखो यार, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाऊंगा ना, तो मैं क्या लिखूंगा, जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद 900 इंटू 100 ओवर 150 लिख के 600 सीधा आंसर निकाल दूंगा और आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा, कुछ 10 सेकेंड्स में मैं कर दूंगा। अब यार ये चीज आपको समझनी पड़ेगी और ये प्रैक्टिस से ही आएगी। देखो मैंने इधर क्या करना था, अगर मैं वैसे समझाता आपको क्वेश्चन, मैंने लिखना था कि 150% ऑफ अ नंबर, उसको एक्स मान लो इज इक्वल टू 900, और उसके बाद मेरे को इसको इधर लेके जाना था, और ये मेरे को दिमाग में ही अंडरस्टूड है भाई, मेरे को इसको इधर लेके जाना है, तो ये उल्टा होगा,
तो मैंने उसकी बजाय ये एक्स वेक्स लिखने की बजाय डायरेक्ट इसको सॉल्व करा। तो अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इसमें भी आप ये टाइम वेस्ट करते हो तो फिर दिक्कत है। अगर आप टाइम वेस्ट उसमें बचा लेते हो तो बाकी के जो थोड़े बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें लगने ही वाला है टाइम, उसमें आपका ये वाला टाइम ऐड हो जाएगा और आपका फायदा होगा। तो ये चीजों का ध्यान रखना। आप जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे ऐसे के ऐसे घुमा फिरा के दिए होंगे, हमने उनको सीधा करके फटाफट से आंसर निकालने की कोशिश करनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेवंथ क्वेश्चन, ठीक है। ये दिया हुआ है, ध्यान से देख लो, और इसको अब मैं लिखूंगा कैसे, ठीक है, वो देखना आप। 25% दिया हुआ था फर्स्ट में, तो मैं इसको डायरेक्ट 1/4 लिखूंगा क्योंकि 25/100 1/4 होता है। ऑफ 50% तो 50% होता है 1/2, 100% होता है 1, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। और उसके बाद 25 ऑफ 100 मीन्स 25 × 100 इंटू 50% 1/2 अगेन ऑफ 100 × 100, दैट्स इट। अब ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा, राइट ये 4 नीचे आ जाएगा और ये भी क्या बन जाएगा 25 से मल्टीप्लाई होके 100, तो नीचे कितने 100 आ गए, 300 आ गए हैं और ऊपर 1 दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या आएगा देखो, अब देखो आंसर्स किस में दिए उसने, सबके सब परसेंट में। तो एक तो यूज हो गया हमारा 100% के लिए, बाकी ये 4 बचे, दैट मीन्स यहां पे आंसर आ जाएगा 0.0001, 0.0001, दैट्स इट। तो सेवंथ का क्वेश्चन ये है, सेवंथ का आंसर ये है बस, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, डेसिमल जो अपनी परसेंटेज है उसको दूसरे तरीके से हमने लिखना है, इस तरीके से, ठीक है। सीधा सीधा परसेंटेज को सॉल्व करके लिख दो जहां पे आपको लगता है यूज हो सकती है, हर जगह पे भी हम नहीं लिख सकते, वो आपको डिसाइड करना है, वो आपको सिखाएगा कैसे आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो। जितने आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे और रिवीजन जो हमारी चल रही है अभी सीरीज उसमें पार्टिसिपेट करोगे, तो उतना ही ज्यादा आपको क्या होगा उससे फायदा होगा, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, ज्यादा से ज्यादा आपकी समझ बनेगी कि इस क्वेश्चन को मैं इस तरह से कर सकता हूं। देखिए 11th क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं जिससे इसको स्पीड से फाइंड करा जाए। देखो आपको एक एक करके सबको निकालना पड़ेगा। हम क्या करते हैं एसपी और सीपी लेते हैं फर्स्ट का और देखते हैं प्रॉफिट सेम आता है या नहीं आता है। अब उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहां पे, देखो हम फॉर्मूला लिखते थे एसपी ओवर सीपी, एग्जैक्टली यहां पे भी यही करेंगे। अब हम यहां पे शॉर्टकट क्या यूज करेंगे, हम क्या करेंगे बाकी का जो पार्ट है ना वो भी हम यहां पे ही कर देंगे जैसा हमने एक आधे पिछले क्वेश्चन में करा था। हम क्या करेंगे 100, अब इक्वल टू के उधर क्या आना था 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ओवर 100, राइट। नीचे वाला 100 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, वो मैं सीधा लिख दूंगा। ऊपर वाला जो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट था वो वाला 100 इधर आके माइनस होगा, वो भी मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। इधर बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट परसेंट, यही केस सारा का सारा हमारा लॉस परसेंट में भी रहेगा, लेकिन लॉस परसेंट में लॉस के साथ एक माइनस का साइन बचेगा और यहां पे भी आपका माइनस आएगा, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ सही हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो अब ये चीज याद रख लो, जब भी प्रॉफिट परसेंट निकालना है उसके लिए क्या फॉर्मूला आपने यूज करना है, अगर आपको एसपी और सीपी दिया होता है 100 यहां से निकालो कॉमन, 96/80 - 1, दिस विल बी योर फॉर्मूला, ये आपने यूज करना है हमेशा, ठीक है, हमेशा इसी चीज को यूज करना है डायरेक्टली, ठीक है। तो अब तो बहुत आसान है, 80 इधर जाएगा, 80 मतलब 80 एलसीएम लेंगे तो 80 ही बन जाएगा, और 96 - 80 कितना होता है 16, तो यहां पे 16 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 0 कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 20% जो यहां पे दिया है, दैट मींस ये तो करेक्ट है। मेरा मकसद था आपको ये चीज बताना कि आप इतना सारा हमने चीजें मतलब चीजों को ना सोच के उसको कम से कम लिखने की कोशिश करो, मतलब ये समझाना चाहता हूं मैं, और कुछ नहीं इसमें समझाना चाहता हूं, चीजों को कम से कम लिखने की कोशिश करो। अब ये जितनी भी चीज यहां तक मैंने करी है ना ये मैं सारी की सारी अपने दिमाग में कर सकता हूं। तो देखो ऊपर वाले स्टेप्स,
दो स्टेप्स तो कम से कम बनने थे। अगर मैं वो दिमाग में ही कर लेता हूं सॉल्व, तो मेरा काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। इसको भी मैं बिना लिखे कर सकता हूं। क्या कर रहा, पता है ये 80 इससे मल्टीप्लाई होगा, 96 माइनस 80 16, 16 ओवर 80 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो थोड़े से स्टेप्स इलिमिनेट करना सीखो। अब वो आप कैसे सीखोगे, वो सीखोगे प्रैक्टिस के साथ। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपको एक आइडिया मिलता जाएगा कि इस स्टेप पे ये होगा, इस पे ये होगा, इस पे वो होगा। वो प्रैक्टिस करने से आएगा, याद करने से कभी नहीं आएगा। याद मत करना इन चीजों को, ये सिर्फ प्रैक्टिस करने से आएगा। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतने ही आपकी कैलकुलेशंस फास्ट होगी, उतना ही आप कम लिखोगे और दिमाग में कैलकुलेशंस करनी शुरू कर दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा आता है 14th क्वेश्चन। जैसा मैंने आपको बोला था कि 14th में एक ट्रिक करवाऊंगा, तो वो ट्रिक का टाइम आ गया है। अब करते हैं, देखो। इन अ फ्रूट गो डाउन 1600 केजी मैंगोज आर स्टोर्ड। ठीक है, 1600 केजी वहां पे स्टोर थे। इफ 23% ऑफ देम आर रोटन, मतलब खराब हो गए हैं 23%, देन हाउ मच मैंगोज आर गुड इन द गो डाउन। अब हम क्या करते हैं, जो हमें सिखाया जाता है, ठीक है, हम क्या करते हैं 1600 का 23% निकालते हैं और जो आ जाएगा 16 into 23, और उसके बाद 16 into 23 को जो भी आएगा उसको 1600 में से माइनस कर देगा, क्योंकि ये हमारे पास रोटन एक्स की और रोटन मैंगोस की वैल्यू आई है। ठीक है, हमें निकालनी है जो रोटन नहीं है, राइट, यही बोला उसने, द मैंगोज आर गुड कंडीशन। तो इसमें से टोटल को, टोटल में से इसको माइनस कर दोगे तो आपके पास गुड कंडीशन वाले मैंगोज आ जाएंगे। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, देखो 23% तो हो गए खराब, किसमें से 100% में से, तो 23 करो माइनस, आपका आ जाएगा 77 और 77% इसका क्या आएगा, द मैंगोज विच आर इन गुड कंडीशन। लेट्स फाइंड आउट, तो फाइंड आउट करते हैं 77/100। मैं करूंगा इसको मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई भी मैं थोड़ा सा फास्ट कर लूंगा कि 770 लिख दूंगा, एंड देन लिखूंगा 2, देन 46 और ये आ जाएगा मेरा 1232 हमारा दिया है ऑप्शन डी में, दैट्स इट। तो गुड कंडीशन के लिए हमने इंस्टेड ऑफ पहले 23% निकाला, उसके बाद उसको माइनस करा, हमने सीधा ही 77% निकाल दिया, जिससे हमारा डायरेक्ट आंसर आया, हमें माइनस वाइनस करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आप कहोगे सर माइनस करी तो भाई ये इजी माइनस है, ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस को इजी बनाया जा सकता है अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस सेशन में मैं अगेन बोल रहा हूं कि उसमें जो लाइव प्रैक्टिस होती है उसमें पार्टिसिपेट करा करो। अब हम चलते हैं पार्ट थ्री में, जो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, तो उसके क्वेश्चंस कुछ कुछ सॉल्व करेंगे, सारे के सारे नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हमारा पार्ट थ्री शुरू करते हैं। आप आता है हमारा सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5, इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच देन द रेशियो बिकम्स दिस। ठीक है, पहले रेशियो क्या थी 3:5, तो इसको लिख लेते हैं 3x 5x। उसके बाद रेशियो क्या बन जाती है, अगर दोनों में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो रेशियो हमारी बन जाती है 12/23। तो अब बहुत आसान है, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, एंड आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, जो कि है 33। तो 33 आपका आंसर आना चाहिए, चेक कर लेना। ठीक है, इक्वेशन बन गई, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर, एंड आपका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखो सेकंड क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, व्हाट परसेंट ऑफ 1 लीटर इज दिस। ठीक है, अब 1 लीटर को हमें 1 लीटर को कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, उसमें होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। हमें कितने का, सॉरी स्क्वायर लिख दिया मैंने, यहां पे क्यूब आना था, हमें निकालना है 50 का। तो 50/1000 टोटल इनटू 100/100 कर दो, या सिर्फ ये 100 भी लिखोगे तब भी चल जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 5%, दैट्स इट। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये वाला। ये जितने भी अभी आसान ही आएंगे ज्यादातर क्वेश्चन। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर देन दिस। ठीक है,
ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार, आराम से आप देख सकते हो कौन सा वाला ग्रेटर होगा, फाइंड करके ही आपको करना पड़ेगा, इसके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ये और ये तो चीज इक्वल है, तो इसको तो देखना ही मत, क्योंकि दिख रहा है यहां से देखो, इसका 10 नीचे आएगा, इसका 100 नीचे आएगा, तो 1000 बन जाएगा, 163/1000 सेम ही चीज है। तो ए को तो छोड़ ही दो, बी सी डी में से चेक कर लेना कौन सा आंसर आता है, और आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो इसका आंसर तो बी था, इसलिए मैं यहां पे बी लिख रहा हूं, इसका आंसर आप मुझे बताओगे फोर्थ का, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, अगर देखा जाए, पढ़े इसको देखो। द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फाइंडिंग पी रेशियो क्यू, किसको फाइंड करना है, पी रेशियो क्यू को। चेक करो यहां पे पी रेशियो क्यू आंसर कहां पे दिया है, फर्स्ट वाले में, ठीक है। जो फर्स्ट में स्टेप दिया हुआ है वो लास्ट स्टेप आना चाहिए, ये याद रख लो। उसके बाद देखो ये गिवन है हमें, ठीक है, एक ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये लास्ट स्टेप हो गया, हमें पता चल गया, बीच के स्टेप बाद में देखते हैं। पहले देखो सेकंड वाला जो है वो हमारा फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि गिवन वाला ये पार्ट है, तो सेकंड देखो सब में ही दिया हुआ है। लास्ट वाला हमने क्या स्टेप बनाया था, फर्स्ट वाले को लास्ट में लिखा था, यहां पे दिया और कहीं दिया नहीं दिया, तो बी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो थोड़ा सा दिमाग लगाया और हमने आंसर निकाल लिया फटाफट से। उसके बाद चलते हैं एट्थ क्वेश्चन में, व्हाट परसेंट ऑफ अ डे इज 18 मिनट्स, ठीक है। एक डे में कितने मिनट्स होते हैं, एक डे में होते हैं 24/60, क्योंकि 24 आवर्स होते हैं और एक आवर में होते हैं 60 मिनट, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास एक दिन में मिनट्स आ जाएंगे। तो उसने पूछा है 18 मिनट्स का परसेंटेज विद वन डे, तो ये आ जाएगा हमारा 0 से 0, 3, 8, 2, 4, 5, तो ये आ जाएगा हमारा 5/400, राइट, जो कि इक्वल टू है, इसको यहीं से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाना था 1.25, और 1.25% हमारा आंसर आ जाता, दैट्स इट। तो 1.25 हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन ए में गिवन भी है, ठीक है। तो ए ऑप्शन राइट हो गया एट्थ के लिए। अब चलते हैं टेंथ क्वेश्चन में, बहुत आसान है, आपने छोटी क्लासेस में करे होंगे ऐसे क्वेश्चन, कि उसने पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द गिवन फिगर इज शेडेड, कितना एरिया शेडेड है। पहले तो टोटल फाइंड करो, टोटल कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर से अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 × 6 36, तो टोटल तो आ गया हमारे पास 36, ये मैंने टोटल लिख लिया। अब मुझे चाहिए शेडेड है कितने, और इनटू 100 करूंगा तो मेरे पास परसेंटेज आ जाएगी। चेक करो शेडेड कितने, देखो कहीं पे हाफ दिया है कहीं पे फुल दिया है। सबसे पहले फुल वाले गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 तो है फुल, तो ये 12 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हाफ वाले देखते हैं कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 है, 12 का हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा, 6, विच विल गिव अस 18, ठीक है। तो 18 हमारे पास शेडेड है, इंटू 100/100 कर दो, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 50, विच विल गिव अस 50%, तो 50% हमारा 10 का आंसर है, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, तो नेक्स्ट आ जाता है 12th क्वेश्चन, देखो सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी, गिया क्या है गिवन, सिंपल इंटरेस्ट किसी सम पे क्या है, 4/9 ऑफ प्रिंसिपल, तो सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल दिया हुआ है, 4/9 ऑफ पी। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी ओवर 100 इज इक्वल टू 4/9 ऑफ पी, ये पी से पी कट गया, बचा क्या, R इंटू टी। अब R और T की एक की वैल्यू दे देगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। फाइंड द रेट परसेंट एंड टाइम इफ बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल, रेट और टाइम इक्वल है तो दोनों में से किसी की वैल्यू भी ले लो। अगर हम R को भी T लिख लेते तो हमारे पास क्या आएगा, T इंटू टी टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर ओवर 100 4/9 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ तो उससे क्या हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा और हमारा आ जाएगा 400/9, तो
तो ये स्केयर उधर जाके स्केयर रूट बनेगा, तो टी इसकी इक्वल आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ 400/9 विच विल गिव अस 20/9। अब 20/9 किसके इक्वल होता है, वो होता है 2/9। दैट्स इट, ये आ गया हमारा टाइम, ठीक है, और हमारा जो रेट है वो भी यही होगा। तो चेक कर लेते हैं किसी में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। तो यहां पे हमने एक मिस्टेक कर दी है, जब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करा तो इसको हमने डायरेक्ट 9 ही लिख दिया, जबकि यहां पे आना था 3। तो यहां पे जब 3 आता तो यहां पे आ जाना था हमारा 6। तो 6 2/3 आंसर आना था, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। साथ में 6 year 8 months और यहां पे 7 years 8 months। अब देखो टाइम कैसे पता चलेगा हमें, देखो ये 6 होल है, कंप्लीट है पूरा का पूरा, तो 6 years को आपके आने ही आने हैं। ये 2/3 क्या है, years, 2/3 years। 2/3 को years को मंथ में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूंगा, 1 year में कितने होते हैं 12 months, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका मंथ्स में आंसर आ जाएगा, जो कि आएगा 8 months, ठीक है। 6 years and 8 months, 6 years and 8 months, दैट्स इट। इसमें तो 7 years 8 months दिए हुए, तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ये चीज समझ लेना, कई बार ये काम आती है, ठीक है। 2/3 years दिया हुआ था, मैंने उसको मंथ्स में चेंज कर लिया, और इसी तरह से चेंज करा जाता है। ये 6 होल होता है, आपको ये मिक्स फ्रैक्शन का तो पता ही होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है 13, उसके बाद 16 एंड अप टू सोन, चलते रहते हैं, फटाफट से इसको खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये वाले आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हो आराम से। आता है हमारा 13th क्वेश्चन जो है 54 meter एज अ परसेंटेज ऑफ किसका, 1 kilometer 80 meter का, ठीक है। तो 1 kilometer 80 meter इन मीटर इज 1080, क्योंकि 1000 meter में आप 80+ करवाओगे तो यही आएगा। अब हमें क्या चाहिए, 54 meter एज अ परसेंटेज, तो कर दो उसमें क्या यार, कर तो दिया वैसे मैंने, ये 0 से 0 कट गया, यहां पे 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, तो हमारा आ जाएगा आंसर 5%। तो 5% है ऑप्शन बी में, ठीक है। तो ये फटाफट से खत्म करते हैं यार, क्यों मैं धीरे धीरे लगाऊं। अब देखो 16th क्वेश्चन में, हमारा 16th क्वेश्चन है, अवंतिका बॉट 80 pairs फॉर ₹40, ठीक है। तो ₹40 के 80 आए हैं, वेरी गुड। उसके बाद बात करते हैं 25 were spoiled, इसमें से 25 खराब चले गए, तो बचे कितने उसके पास, 55, और वो 55 उसने शी सोल्ड द रिमेनिंग पेयर्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, तो प्रॉफिट कितना आ गया 10%, राइट। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन पेयर का सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, तो प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो यहां पे आ जाएगा 110/100, इधर आ जाएगा सेलिंग प्राइस ही तो हमें चाहिए भाई, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमें चाहिए कितने का, 55 का, क्योंकि 55 बेचे गए, नॉट 80, लेकिन जो कॉस्ट पड़ी है वो तो 80 की ही पड़ी है ना उसको, तो 40 की आ गई हमारी कॉस्ट, ये 0 से 0 कट जाएगी, ये भी 0 से 0 कट जाएगी, 4 उससे मल्टीप्लाई होगा, तो एसपी हमारा आ जाएगा 44। ये 44 है 55 की वैल्यू, हमें किसकी चाहिए, हमें वन की चाहिए, तो 55 की वैल्यू है 44, तो 1 की आ जाएगी 44/55। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11 5s are 55, 11 4s are 44, तो 4/5 आ जाएगा आपका 0.8, मतलब एक उसने पेयर कितने का बेचा, 80 पैसे का, खरीदा वैसे कितने का था, अगर 80 से डिवाइड करें तो उसने 50 पैसे का खरीदा था, बेच दिया 80 पैसे का, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ही होना था, लेकिन 55 थे इसलिए चेक करना पड़ा हमें, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं 17th क्वेश्चन पे, मिनी परचेज्ड अ डजन ऑफ हैंकर चिप्स फॉर 60, ठीक है। डजन हैंकर चिप्स खरीदे उसने 60 के और सोल्ड कर दिए 84 के, प्रॉफिट हुआ। वेयर एज त्रिशिका परचेज्ड अ डजन, उसने भी डजन ही खरीदे 90 के, लेकिन बेचे कितने के, 150 के, किसका प्रॉफिट कहता ज्यादा है और कितना ज्यादा है वो फाइंड करो। तो बहुत आसान है, दोनों का प्रॉफिट निकाल दो यार, कितना कितना हुआ है परसेंटेज में, ठीक है, परसेंटेज में प्रॉफिट निकालना है, ये याद रख लेना। तो यहां पे फॉर्मूला लगाओ फटाफट से, बेचे उसने इतने के थे और खरीदे थे 60 के, इक्वल टू आ गया 100+P% over 100। अब देखो यहां पे मैं फिर से वही चीज कर रहा था, लेकिन ये वाली चीज हमने
नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि हमें शॉर्टकट वाला फॉर्मूला याद है। तो क्या आना था उसमें? इसको 60 को ऊपर लिखे इसमें से माइनस करवाना था, तो आ जाना था 24 नीचे 60 × 100, जिससे हमारा पी परसेंट आ जाएगा सीधा, वो आ जाएगा 40%। तो भाई जो फर्स्ट मिनी थी उसका तो आया 40% प्रॉफिट। अब दूसरी वाली का फाइन करते हैं। तो दूसरी वाली का था 150 over 90। तो 90 150 में से माइनस करो तो आपका आंसर आ जाएगा 60 over 90। उसको कर दो 100 से मल्टीप्लाई, आपका आंसर क्या आ जाएगा? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट हमारा यहां से आता है 320। ये तो कुछ परसेंटेज में आ जाएगा 200/3%, और ये निकल के आ जाएगा 66, और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 26.6%। ठीक है, तो किसका ज्यादा आया? हमने जब इसका निकाला त्रिशका वाला, उसका प्रॉफिट परसेंट ज्यादा था। कितना ज्यादा था? 26.6%। तो त्रिशका तो नाम आ गया इसका, हूज प्रॉफिट परसेंट इज मोर, त्रिशका। कितना ज्यादा था? 26.6%, जो कि ऑप्शन सी में भी बने। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये कुछ भी नहीं है, दोनों का प्रॉफिट परसेंट निकालना था, माइनस करना था, आपका आंसर आ जाता। ये वाली चीज अगर आपको नहीं समझ में आई तो हमने पिछले क्वेश्चन में समझी है, इसको समझ लेना, बहुत आसान हो जाएगा आपको क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18th क्वेश्चन। कवलीन इनवाइटेड 24 ऑफ हर फ्रेंड्स ऑन हर बर्थडे पार्टी। इन द पार्टी द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स वॉज 3:5। ठीक है, 24 टोटल थे, 3:5 उसने रेशियो दी हुई है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इनवाइटेड ऑन कवलीन पार्टी। ठीक है, 3x बॉयज की आ गई, 5x लड़कियों की आ गई नंबर, और टोटल कितने हैं? 24, इसलिए मैंने दोनों को ऐड करा। तो 8x किसके इक्वल आ जाएगा? 24 के, तो x आ जाएगा 3 के। तो नंबर ऑफ बॉयज इज 9, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 15। दैट्स इट। बहुत आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन ए आपका राइट आ जाएगा, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपको एंड में करवा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ स्कूल हैज 560 स्टूडेंट, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज दिस, ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द स्कूल। ठीक है, नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं वो है 14/7% ऑफ नंबर ऑफ बॉयज, और टोटल स्टूडेंट देखो हमें कितने गिवन हैं? 560। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? हमें करना है ये नंबर ऑफ गर्ल्स है प्लस हमें कर देने इसमें नंबर ऑफ बॉयज, तो आंसर आ जाएगा हमारा 560। ठीक है, अब x की वैल्यू फाइंड करो, उससे आपके पास नंबर ऑफ बॉयज आएंगे, उधर से हम क्या फाइंड कर लेंगे? नंबर ऑफ गर्ल्स। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, x की वैल्यू के बाद आपने इस परसेंटेज को ही फाइन कर देना है, आपका अपने आप नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे? गर्ल्स आ जाएंगी, अगर उसने ये फाइन करने के लिए बोला। हाँ, गर्ल्स ही उसने फाइन करने को बोला है। तो यहां से आपका आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में नीचे इधर हाँ बस इधर एग्जैक्टली देना। ठीक है, अब चलते हैं हम 20th क्वेश्चन पे। देखो, ड्यूरिंग अ क्रिकेट मैच 4800 पीपल शोड देयर स्पिरिट बाय वेयरिंग होम टीम्स कलर। ठीक है, होम टीम का कलर पहनने वाले कितने थे? 4800। अब देखते हैं टोटल कितने थे। इफ 12,000 पीपल अटेंडेड द गेम, टोटल थे 12,000, देन व्हाट परसेंट क्राउड वियर होम टीम्स कलर। यार कितनों ने पहना है, कितनी परसेंटेज है, इसको टोटल से डिवाइड करो, इनटू 100/100 करो, ये 2 0 से 2 0, ये 1, 40, तो 40% आपका आ जाएगा जिन्होंने होम टीम का कलर की टी शर्ट या जो भी पहना हुआ था। तो 40% इज इन ऑप्शन बी। दैट्स इट। तो ये आसान से क्वेश्चन थे लास्ट पार्ट में, जो फर्स्ट टू पार्ट थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। आगे आने वाले जितने भी वर्कबुक के चैप्टर्स हैं हम इसी तरह से करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।